नमस्ते सत श्री अकाल। आई नो बहुत 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 खुशी है आज, क्योंकि रफ्तार भैया का गाना आ गया है, बारिश ईपी का। पिछले साल से ही हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब, व्हेन विल इट कम आउट। फाइनली इट्स आउट। गाने का नाम है ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है कि ऑड वन आउट। वैसे शीप सारी सफेद होती हैं, तो जो ब्लैक हुई वो अलग हुई सबसे हट के, तो आउट ऑफ द बॉक्स जो होता है उसे ब्लैक शीप कहते हैं। तो देखते हैं इस गाने को किस रेफरेंस में यूज़ करा है भैया ने, किस तरीके से उन्होंने बनाया। और बहुत बहुत टाइम बाद मैं उनके किसी सॉन्ग पर रिएक्शन कर रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि देखो सुनते तो हम सब रहते ही हैं, बट रिएक्शन इज अ होल डिफरेंट थिंग, और इसमें बहुत मज़ा आता है। और 4 घंटे हो गए इसको आए हुए, लाखों में व्यूज थे। मैंने देखा था लास्ट, तब 4.5 लाख समथिंग व्यूज थे। तो ऑब्वियसली यार, रफ्तार भैया के नाम से ही गाने चलते हैं उनके, तो अभी देखते हैं, इस गाने को सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, रिएक्ट करते हैं, बार्स देखते हैं कैसे आएंगे। मतलब बहुत ज्यादा तेज वाले और वैसे वाले हुए तो फिर थोड़ा मिस आउट हो जाता है कभी कभी। बाकी आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। थोड़ा इम्प्रूव मैंने कर लिया है, बहुत सब लोग को पता है। तब तक अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हेलो, कलमकार वीडियो बाय ब्लैक एसिड प्रोडक्शन। ब्लैक डॉट, ब्लैक क्वीन, ब्लैक हार्ट, ब्लैक थीम्स, ये है कहानी एक छल की, मेरी आज की कहानी तेरे कल की गलती की। मेरी फड़की ना, यही तो मेरा सबक है ना, माँ खाने में नमक है ना, फिर ये कैसे भटकते हैं, रोटी तेरी सटक के ये पानी कैसे कटकते हैं, कभी कभी रोटी तेरी सटक के ये पानी कैसे गटकते हैं। मतलब दूसरों के हक छीनने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, और ये बहुत सच्ची बात है जो भैया ने कही है। मतलब इसे एक बार इसकी इंटेंसिटी समझो इस बात की, कि रोटी तेरी सटक के ये पानी कैसे गटकते, किसी और का हक मार के तुम यार जी कैसे रहे हो चैन से। और ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं अपनी सोसाइटी। Start losing my senses, इनके जितने वजन के मैं 20 मारू बेंच प्रेस, स्क्रूज लूज दे दो रेंचेस, पेन किस लिख के मैं मिटा देता काली यारी के स्टेंसेस, ये ब्लेम गेम है या लेन देन, है मेरा सब कुछ सेम सेम और फर्जियों का गेन गेन, मुश्किल से रखूं अपना सेन ब्रेन, बादल जैसा फटू पर से व्यूज आई मेक फेम रेन, ड्रिजल ड्रिजल तभी ये गए फिसल फिसल, सोना चाहे देखे पीतल पचती नहीं लिटल लिटल, गाड़ी चलती ना चलाई जाती है, इनको खुद की नहीं मिलती है पिलाई जाती है, मारा मार था फिर भी कभी ना हारता, मैं नाइडस दिस इज स्पार्टा, कुछ भी नहीं उधार का, अकेला ही मैं चार सा, कंधों पे थोड़ा भार सा, ना प्यार लू उधार का, अपनों के लिए गाट सा लाट सा बाला जैसे मैं लाट सा, करूंगा ना मार काट जब तक मेरा आठ साल, सच मैराथन धागों से बंधा पैराकॉन, लंबी रेस भागा मैं देखा ना कभी पहला कौन, दिल का मेरा कौन खेला मैं तो फिर खेला कौन, चाल चलेगा पहला बॉन, आई विन यू नेवर स्पॉन, हेट लिस्ट पे मैं 8-bit से, तेरा फ्लॉप फ्लो मैं ना लिट हुआ एक हिट से, ए लिस्टर्स की प्लेलिस्ट पे, नाइट शिफ्ट से लाइफ शिफ्ट तो ब्रेकफास्ट मेरा स्नेक पिट में। वेट वेट वेट, रफ्तार भैया ने ये कहा कि मैं एक हिट से हिट, मतलब एक सॉन्ग से मैं हिट नहीं हुआ, कंसिस्टेंसी से जब इन्होंने लगातार काम किया है बहुत ज़्यादा, तब जाके ये हिट हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक चमकाने वाला मोमेंट आ गया एंड ही इज हिट। और किसके रेफरेंस में ये बात कर रहे हैं ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है, एंड लव यू यार रफ्तार भैया। कभी आपसे बहुत ज़्यादा वाला मेरा मिलने का मन है, और मुझे अच्छे से पता है कि 110% 1000% आपसे मिल के रहूँगी, बात करके रहूँगी। मेरा दिल ना माने हेट लिख दे, ये बैठे करे क्लिक जब कोई क्लिक के पीछे बेट लिख दे, ब्लैक डॉट, ब्लैक क्वीन, ब्लैक हार्ट, ब्लैक थीम्स, ये है कहानी एक छल की, मेरी आज की कहानी तेरे कल की गलती की। Hercules feel, real bande fake nikle khatam hui reel, sabse pehle
पहले गाड़ी जाती सबसे सीधी कील, पहले कागज की शर्म थी और अब खत्म हुई डील। तो समाधान मेरे सबसे ही कलेश क्यों, इनको दिक्कत हो तो सबसे पहले मैं ही पेश क्यों, चलना जिनके साथ उनके साथ इनकी रेस क्यों, बाहर सांप मिल के आप बदले इनके भेस क्यों। सब लिमिनल सब लिमिनल, सब लिमिट से ज्यादा ना होता हैंडल चल, इनके सच में सच नहीं है स्कैंडल, मेरी एंटी बातें सुनी लौंडे बन गए फैन गर्ल। Real leaders, real leaders, real geeder. Beef who are banned, so don't beef with a wheel breeder. Breezer BKB, you feel ether. Survival of the realest, mein bachana kabhi real cheater. Distract bro, the shit back bro. I get that bro, you miss that show. Toh mein toote jaise Kit Kat bro. You never made me money and I'm still ready to split that dough. Tic tac toe, I see you bro. इनको फिर से वीडियो में क्राउड वाला शॉट वॉट दो, क्या तुम असलियत में थॉट वॉट हो, तभी अब मैं नहीं मिलता तुम बिल्कुल भी ना हॉट वॉट हो। मेरे साथ तो ये बगल में थे, हलवे बदले खुद या किसी तल्ले से अकल लेके, प्लान भी लाए तो ये नकल लेके, मुझे सीखना पड़ेगा कि शक्ल से कैसे नस्ल देखे। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सारे ले लो पेपर, चले जैसे दिखे पैसे लड़ मरे नेबर। मैंने खुद देखा दिल पहले देकर, जब घुसा जंगल में बाहर आया मैं फर लेकर। ये डिस्ट्रैक्ट नहीं सिर्फ डिसपॉइंटमेंट, बिना जले सबके आगे मले नकली डिसऑइंटमेंट, एस किसिंग ताकि इनको मिले डिसपॉइंटमेंट। विक्टिम कार्ड शिट की वजह से हुए डिस्ट्रॉयमेंट, बेंसन रॉयस बट 58.5, you baited me to hate you against you, I will not lie, I'm a phoenix and I will not die, my legacy will keep me alive, call up God! Black dot, black fiend, black heart, black schemes. ये है कहानी एक छल की, मेरी आज की कहानी तेरे कल की। This is not a song. This is not a rap. It's a feeling. It's a feeling. I am in feels. मतलब मैं बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में अभी और इतना घुस गई थी मैं इस गाने के अंदर. I cannot tell you. I loved the rap. और गाने में ना बैकग्राउंड में एक पूरा गेम चल रहा था, मुझे गेम का नाम नहीं पता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई लव्ड इट. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ब्लैक शीप एंड रफ्तार भैया कलमकार वगैरह से पंगा मत लो, डोंट डिस देम, अदरवाइज तुम्हारी एकदम फटके चार हो जाएगी. क्योंकि रियल फैक्ट्स बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर आप हमला कर रहे हो. मैंने पूरी जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं सब को पता ही है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ. और फ्रॉम डे वन मतलब बहुत बहुत स्टार्टिंग से आई वॉज विद रफ्तार भैया एंड आई वॉज विद दिस गाय, क्योंकि यार ये डिजर्व करते हैं वो लव वो प्यार जो हम इन्हें देते हैं, ही डिजर्व्स इट एक्चुअली. लिरिक्स की बात करें तो इट वॉज ओवर पावर्ड. एक लाइन मुझे बहुत ज्यादा तगड़ी लगी कि अब मुझे सीखना पड़ेगा कि शक्ल देख के कैसे नस्ल पता लगाएं इंसान की, जो असली दीदार होता है ना इंसान का. आजकल यार अपन इस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर डबल फेस्ड, आपको पता नहीं चलता कि वो इंसान जो कह रहा है ही मीन्स इट और नॉट. तो वो बोल रहे हैं कि मुझे शक्ल देख के पता लगाना सिखा दो कोई कि ये असली है भी या नहीं, किस नस्ल का बंदा है. और ये इतनी तगड़ी बात लगी ना मेरे को कि आई जस्ट गॉट, मतलब एक वो होता है ना कि कुछ लाइंस आपके दिमाग में एकदम बैठ जाती हैं, ये उस तरीके की लाइन थी. और मुझे बहुत बढ़िया लगा सॉन्ग, आई लव्ड इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रिएक्शन वीडियो, दिस वॉज माई स्मॉल स्वीट रिएक्शन वीडियो. आई विल ट्राई टू इम्प्रूव मोर. और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जब भी रफ्तार भैया के सॉन्ग पे मैं रिएक्शन देती हूँ, मैं उतना अच्छा रिएक्शन नहीं दे पाती. आई जेन्युइनली नो दिस बिकॉज उनके जो लिरिक्स का लेवल होता है इट्स वेरी हार्ड, आई नो दैट. They play a little soft with the lyrics, जिन पे मैं reaction देती हूँ. और when it comes to Raftaar भैया, it's a little hard. I have to say that, I have to admit it actually कि हाँ ऐसा होता है. जो Instagram पे follow जरूर कर लेना, वहाँ पर बहुत funny content experience करने मिलेगा आपको. Plus मेरे YouTube channel का link मैंने नीचे description में दे रखा है, तो वहाँ जाकर के subscribe कर दो. और मैं अभी ऐसे cringy smile कर रही हूँ बहुत देर से, और ये हमेशा मेरे साथ होता है जब मैं रफ्तार भैया के गाने पर रिएक्ट करती हूँ, तो आई स्माइल वेरी क्रिंजीली. मतलब मैं स्माइल ही करती रहती हूँ पूरे टाइम, एज इफ कि वो मुझे सच में ही देख रहे हैं. बट दिस माइट नॉट बी द रियलिटी.